Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. निश्चित रूप से वंदे भारत एक्सप्रेस मेरठ वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। मेरठ से चलकर यह एक्सप्रेस लखनऊ 7 घंटे 10 मिनट में पहुंच जाएगी। आज दोपहर 12:30 बजे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी। मेरठ के लिए यह ऐतिहासिक दिन है, लिहाजा सिटी स्टेशन को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुख्य तथ्य यह भी है कि भाजपा के प्राय सभी जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वे मौजूदा सांसद अरुण गोविल हों, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और MLC धर्मेंद्र भारद्वाज, सभी ने मेरठ को यह ऐतिहासिक सौगात केंद्र सरकार से दिलाने के लिए अथक प्रयास किए और आज ये प्रयास फलीभूत भी हो गए। मोदी और योगी सरकार द्वारा आज मेरठ को वह दे दिया गया जिसके लिए मेरठवासी लंबे समय से प्रतीक्षारत थे। RRTS व मेट्रो के बाद तो मेरठ के विकास में 4 चांद लग जाएंगे, यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस का मेरठ से विधिवत संचालन 2 अगस्त से शुरू होगा। यह मंगलवार को छोड़ सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएगी। यह सुबह 6:35 पर चलकर दोपहर 1:45 बजे लखनऊ पहुंचेगी। 1 घंटे बाद फिर लखनऊ से मेरठ के लिए रवाना हो जाएगी। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं First.TV। हमारे कैमरे ने आज इन यादगार पलों को कुछ इस तरह से कैद किया, आप भी देखिए और आनंद लीजिए। सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधु और बहनों, देखिए ये मेरठ मेरा नाम दक्ष जैन है। दक्ष, आज कैसा लग रहा है वंदे भारत में? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे यकीन नहीं हो रहा है कि हम पहले इंसान बन गए यहाँ पे बैठने वाले, और बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ज्यादा अच्छी है यहाँ पे, आपको सब कुछ साफ दिखेगा। यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी है, यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं, CCTV कैमरा है, नो स्मोकिंग जोन, स्मोक सेंसर्स और चार्जिंग बोर्ड सब है यहाँ। मेरा नाम नियति जैन है और मैं दीवान पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ट्रेन पहली बार आज शुरू हो रही है और हम ही इसके पहले पैसेंजर बन रहे हैं। बिल्कुल ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और हमें हमेशा के लिए याद रहेगी। आज तो बेटा आपने मेडल्स और कुछ सर्टिफिकेट। हाँ जी, हाँ जी। इसका क्या मैसेज है? इसका यही मैसेज है कि मतलब हमें आगे से आगे पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, जैसे हम देश का भविष्य माना जाता है बच्चों को, तो अगर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। तो अगर जैसे आज हमें प्रोत्साहन मिला है तो हमें भी आगे मोटिवेशन मिले कि हम आगे भी ऐसा करें। अपने CM के लिए एक रफ्तार पकड़ ली है वंदे भारत।
हाँ जी श्योर श्योर, ऐसी है कि हमारी मेरठ में, जैसे अब मेरठ में शुरू हुई है और भी दो तीन जगहों पे शुरू हुई है, तो ऐसे कर करके हमारा इंडिया काफी आगे बढ़ेगा और हमारा देश जो है तरक्की के मुकाम तक पहुंच जाएगा और पूरी दुनिया को फिर वो कम्पीट करेगा। परिचय जानना चाहता हूं, मैं भानु प्रताप त्रिपाठी हेड टिकट परीक्षक हूँ। भानु जी, आज वंदे भारत की शुरुआत मेरठ में की जा रही है, क्या लगता है इसको देखकर और क्या कहेंगे? सर बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी का पर्व है ये, और आज उद्घाटन हुआ है, मेरठ को ये ट्रेन मिली है, बहुत खुशी की बात है। रेल विभाग के लिए भी एक बहुत बड़ा जी पर्व कहना है आज, तो उसके लिए क्या जाएंगे? सर मैं समझता हूँ मेरठ को मतलब एक ऐतिहासिक पल है, जो हम देख रहे हैं कि वंदे भारत को लेकर उत्साह बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, वंदे भारत को लेकर आगे क्या? सर देखिए कम समय में दूरी तय हो रही है लखनऊ, और अभी उम्मीद है कि मतलब अच्छा रहेगा सफर आगे के लिए, जिस तरह से पहले बहुत सारी ट्रेनें जी 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 आना जाना जी, जी। लेकिन इस बार वंदे भारत ने एक नई शुरुआत की है, तो सफर में सफर को लेकर क्या कहेंगे और दूरी के हिसाब से कितनी भी है? सर दूरी में भी मतलब और एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले इसकी इसमें कम समय में ये लखनऊ पहुँचेगी और लोगों को सुविधा रहेगी, और बाकी सुविधाओं से लैस तो हमारी ये ट्रेन है ही वंदे भारत। आज की शुरुआत हुई है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि ये वंदे भारत बहुत ही लोगों का सपना भी था। जी बिल्कुल सर, बहुत लोगों का सपना था और बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरह का मैनेजमेंट, क्या है, क्या सुविधाएं यात्रियों को मिलने वाली है, जो अपेक्षा है यात्रियों की उनके लिए क्या? सर वंदे भारत अभी मेरठ को मिली है, पहली ट्रेन है, तो आगे जब चलेगी जब पता लगेगा। जी आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दिखाकर पीएम स्वागत किया है, क्या उपलब्धि है, क्या देखते हैं, किस तरीके से आज की नहीं, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है कि मेरठ और आसपास के निवासियों के लिए इतनी बड़ी सौगात मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने हमें सौगात दी है ये, और बहुत आसान हो जाएगा यात्रा, प्रदेश की राजधानी से भी जुड़ जाएंगे हम, क्योंकि प्रदेश की राजधानी में बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है और कहीं और उतरना पड़ता था, रातों में आना पड़ता था, अब सीधे सीधे आप जाएंगे भी यहीं से और आएंगे भी यहीं पर, तो बहुत आसान हो गया है। अत्याधुनिक ट्रेन है एकदम, बिल्कुल बैठने की पूरी बहुत अच्छी सुविधा है इसमें, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, बहुत ऐतिहासिक दिन है आज का। मेरठ के लोगों को और आगे क्या नई सौगात? अब देखते जाओ भैया क्या क्या सौगात मिलेगी, हम तो प्रयास करने वाले हैं, कर्म करने वाले हैं, बाकी देने वाला तो वो मेरे राम जी बैठे हैं ऊपर, वो मैं प्रयास करता रहूंगा और वो देते रहेंगे, बस क्या क्या देंगे ये तो वही बता पाएंगे, है ना, पर बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ प्रयास चल रहा है हमारा मेरठ के लिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।